नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। स्वागत है आपका नमो टेक्नीशियन फिटर मास्टर में। फ्रेंड्स, ये हमारा जिक्सन पिक्चर का लास्ट लेक्चर है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कंस्ट्रक्शन फीचर्स ऑफ ए पिक्चर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग पिक्चर जान लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहला लेक्चर है हमारा, उसमें हम लोगों ने जिक्सन पिक्चर के बारे में जाना था। तो जिक्स हमारा क्या होता है? जिक्स किसी भी वर्कपीस को होल्ड करता है, साथ ही साथ कटिंग टूल को गाइड भी करता है। लेकिन पिक्चर में क्या था, ये वर्कपीस को होल्ड करता है लेकिन कटिंग टूल को गाइड नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें और एक चीज क्या है, इसमें सेटिंग ब्लॉक और फिलर गेज का यूज करके कटिंग टूल को पोजीशन दिया जाता है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पिक्चर में सेटिंग ब्लॉक और फिलर गेज का यूज करके कटर को, जो कटिंग टूल होता है, उसको पोजीशन दिया जाता है। वो किस तरह से दिया जाता है वो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन फीचर्स में, यानी पिक्चर को बनाने में क्या क्या यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बेस प्लेट, ठीक है, लोकेटर्स और क्लैंप्स, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एक वीडियो हमारा टाइप्स ऑफ लोकेटिंग का बना हुआ है और टाइप्स ऑफ क्लैंप्स का अलग से एक वीडियो बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे बेस प्लेट, सेटिंग ब्लॉक और ब्लेंसिंग वेट के बारे में, ठीक है। तो ब्लेंसिंग वेट को काउंटर वेट भी कहा जाता है। तो फ्रेंड, बेस प्लेट क्या होता है? देखिए, जब हम लोग जिक्स के बारे में पढ़ रहे थे तो हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले हमारे क्या होता था, बेस प्लेट होता था। बेस प्लेट के ऊपर हम लोग वर्कपीस को रखते थे और उसके बाद हमारा यहाँ पर जिग प्लेट होता था, यहाँ पर हमारा जिग प्लेट होता था, ये हमारा बेस प्लेट है, ठीक है। उसी तरह से जब हम लोग फिक्स्चर के बारे में बात करें तो बेस प्लेट में क्या होता है, देखिए बेस प्लेट में, ठीक है, बेस प्लेट में नीचे एक टेनोन प्रोवाइड किया जाता है। टेनोन क्या है? प्रोजेक्टिंग पार्ट है, आप फिगर में देख सकते हैं, ठीक है, उभरा हुआ पार्ट, ठीक है, जो हमारा मशीन टेबल होता है, ठीक है। हम लोग मिलिंग पिक्चर के बारे में बात करें तो मिलिंग मशीन में क्या होता है, जो मशीन टेबल होता है उसमें टी स्लॉट रहता है, ठीक है। तो टेनोन हमारा जो मशीन टेबल का टी स्लॉट होता है उसमें इजीली फिट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बेस प्लेट में आप देख सकते हैं स्लॉट्स साइड में दो या चार स्लॉट्स कटे होते हैं, जिसका यूज करके हम लोग आसानी से क्लेम कर सकते हैं फिक्स्चर को मशीन टेबल के साथ, ठीक है। तो ये हमारा था बेस प्लेट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेटिंग ब्लॉक के बारे में, ठीक है। तो सेटिंग ब्लॉक और फिलर गेज का यूज करके हम लोग कटिंग टूल को यानी कटर को पोजीशन देते हैं। तो किस तरह से पोजीशन देते हैं इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो ये आप फिगर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये हमारा वर्कपीस है और ये हमारा सेटिंग ब्लॉक है, ठीक है। तो वर्कपीस के पोजीशन के अनुसार, ठीक है, वर्कपीस का जो लोकेशन होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सेटिंग ब्लॉक को फिक्स्चर में क्लेम करते हैं, ठीक है। तो इसको क्लेम करके हमें क्या मिलता है, देखिए, जब हम लोग सेटिंग ब्लॉक को फिक्स करते हैं तो हमें दो रेफरेंस प्लेन मिल जाता है, ठीक है। दो रेफरेंस प्लेन किस तरह से, ये हमारा मान लीजिए सेटिंग ब्लॉक है, ठीक है। तो ये प्लेन आप देख सकते हैं, ठीक है, और ये, ठीक है। तो इससे हमें डेप्थ मिल जाता है, किस डेप्थ में हमें मशीनिंग करना है, और ये हमें एक रेफरेंस प्लेन मिल जाता है। इन दो रेफरेंस प्लेन के अनुसार हम लोग जॉब के ऊपर मशीनिंग करेंगे। तो इसमें फिलर गेज का किस तरह से यूज किया जाता है, देखिए, सेटिंग ब्लॉक, ठीक है, जो हमारा कटर है, ये हमारा कटर है, ब्लैक कलर में आप देख सकते हैं, ये हमारा कटर है। तो कटर और जो हमारा सेटिंग ब्लॉक है इसके बीच में फिलर गेज, ठीक है, फिलर गेज का साइज 0.25 mm का फिलर गेज का यूज करके इसको एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। मतलब यानी इतना गेप रखा जाता है ताकि हमारा मशीनिंग के टाइम हमारा सेटिंग ब्लॉक डैमेज ना हो, ठीक है। तो सेटिंग ब्लॉक का यूज करके कटर को पोजीशन इसी तरह से दिया जाता है, यानी सेटिंग ब्लॉक का यूज करके हमें दो रेफरेंस प्लेन मिल जाता है, एक डेप्थ के लिए और एक लेटरल डायरेक्शन के लिए। तो इन दो डायरेक्शन से हम लोग इजीली मशीनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सेटिंग ब्लॉक का यूज किया जाता है।
नेक्स्ट बात करेंगे ब्लेंसिंग वेट के बारे में। तो जब हम लोग टर्निंग करते हैं, ठीक है, जब हम लोग टर्निंग करते हैं और कोई मान लीजिए हमारे पास इरेगुलर शेप का कोई वर्कपीस है और उसके ऊपर हमें टर्निंग करना होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा लेथ का फेस प्लेट होता है उसके ऊपर हम लोग फिक्सचर को होल्ड करते हैं, ठीक है। तो जब हमें ब्लेंसिंग, जब हम लोग इरेगुलर वर्कपीस को क्लेम करते हैं, तो हमें बैलेंस करने के लिए हमें काउंटर वेट कर सकते हैं या ब्लेंसिंग वेट का हम लोग यूज करते हैं। अगर हम लोग यूज नहीं करेंगे तो वाइब्रेशन होगा, सही से मशीनिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यही था कंस्ट्रक्शन फीचर्स ऑफ ए फिक्सचर के बारे में। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले।